Alright, दोस्तों आ चुका है Oppo A53s 5G स्मार्टफोन एंड यस दोस्तों इस वीडियो में भी दोस्तों हम एक नहीं दो नहीं बल्कि दोस्तों 5G स्मार्टफोन Oppo A53s का गिव अवे कर रहे हैं और आप में से दोस्तों 5 लकी विनर्स को दे रहे हैं सीधा दोस्तों आपके घर पहुंच जाएगा आपको कुछ नहीं करना है बल्कि आप कैसे जीत सकते हैं इसके लिए इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखते रहिए लेकिन उससे पहले दोस्तों हम फटाफट से इस फोन की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और जान लेते हैं और ज्यादा डिटेल में इस फोन के बारे में तो ये है दोस्तों Oppo A53s 5G स्मार्टफोन का बॉक्स 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ये फोन आता है सबसे पहले दोस्तों आपको बॉक्स में ये सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है उसके बाद आपको कुछ ये यूजर मैनुअल गाइड मिल जाते हैं एंड ऑफ कोर्स आपको ये TPU ट्रांसपेरेंट केस मिल जाता है जो मैं कहूंगा कि अच्छी क्वालिटी का है इसके अलावा नेक्स्ट आपको बॉक्स में ये चमचमाता हुआ दोस्तों Oppo A53s 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है चलिए इसे बूट कर लेते हैं और जब तक दोस्तों ये बूट होता है इसे हम साइड में रख लेते हैं और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या कंटेंट देखने को मिल जाता है नेक्स्ट आपको ये टाइप सी केबल मिल जाता है एंड इसके अलावा आपको ये चार्जर मिल जाता है तो चलिए दोस्तों इन सभी चीज को हम साइड में रख लेते हैं और सीधा आते हैं दोस्तों हम Oppo A53s 5G स्मार्टफोन पे जनरली दोस्तों अगर आप देखोगे Oppo के जो स्मार्टफोन होते हैं ना वो लुक के मामले में डिजाइन के मामले में एंड ऑफ कोर्स एनहांस फील के मामले में काफी अच्छे होते हैं एंड ये जो फोन है दोस्तों 8.4mm थिन है और इसका ओवरऑल जो वेट है वो 89.6 ग्राम है एंड फोन को दोस्तों हाथ पे पकड़ने पे डेफिनेटली ये आपको काफी अच्छा फील देता है कंफर्टेबल है फोन एंड जो ग्रिप आपको मिलती है वो भी काफी अच्छी लगती है और अगर दोस्तों हम बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी से तो बैक साइड में दोस्तों ऑफ कोर्स आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलती है जो आता है ग्लास फिनिश के साथ एंड यस दोस्तों ये एक 5G स्मार्टफोन है यानी कि ये फोन एक फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन है और अगर मैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूं तो आई लाइक द डिजाइन स्पेशली दोस्तों इसका जो कैमरा कटआउट है कैमरा मॉड्यूल है ये डिजाइन देखने में मुझे काफी अच्छा लगा एंड लुक वाइज फोन आपको डेफिनेटली मैं कहूंगा कि पसंद आने वाला है इनफैक्ट आई ऑल्सो लाइक इट इस फोन में दोस्तों आपको मीडियाटेक का डायमेंशन 700 प्रोसेसर दे रखा है जो कि दोस्तों एक 7nm वाला प्रोसेसर है ऑक्टाकोर प्रोसेसर है एंड ऑफ कोर्स दोस्तों ये एक 5G प्रोसेसर है तो डेफिनेटली इस फोन में आपको दोस्तों एक न्यू प्रोसेसर दे रखा है और अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो डेफिनेटली दोस्तों जो मीडियाटेक का डायमेंशन 700 प्रोसेसर है काफी बढ़िया प्रोसेसर है परफॉर्मेंस के मामले में और आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है इनफैक्ट दोस्तों डे टू डे लाइफ यूजेज के लिए फोन में आपको 6GB की रैम मिल जाती है बेस वेरिएंट के साथ और एक और इसका दूसरा वेरिएंट है 8GB की रैम तो यहां पर आपको जो रैम है वो दे रखा है LPDDR4X रैम और 128GB का आपको स्टोरेज मिल जाता है UFS 2.1 के साथ तो यहां पर आपको मल्टीटास्किंग में भी आई डोंट थिंक सो कोई कमी आने वाली है रैम आपको काफी अच्छी मिल जाती है एंड इसके अलावा दोस्तों जो डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर है इसमें आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलने वाली है इनफैक्ट दोस्तों आप इस फोन का एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर देख सकते हो 3 लाख से ज्यादा निकल के आया है जो मैं कहूंगा काफी इंप्रेसिव वाली बात है और मैंने दोस्तों इस फोन में कुछ देर गेम खेला और मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों जो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी बढ़िया देखने को मिला 15 मिनट की दोस्तों कंटिन्यूस गेमिंग के दौरान सच बताओ तो मुझे ना ही किसी तरह का लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला और ना ही कोई हीटिंग इशू देखने को मिला जो गेम है दोस्तों वो अच्छी तरह से स्मूथली रन हो रहा था सो या दोस्तों डेफिनेटली अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो इस फोन में आपको दोस्तों जो परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया मिलने वाली है इसमें कोई शक नहीं है फिजिकल ओवरव्यू पे एक नजर डाले तो नीचे की साइड में आपको 3.5mm जैक मिल जाता है माइक्रोफोन दे रखा है टाइप सी पोर्ट दे रखा है एंड सिंगल स्पीकर दे रखा है राइट हैंड साइड में आपको साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है दोस्तों और ये भी काफी अच्छी तरीके से काम करता है फास्ट है और रिस्पॉन्सिव है लेफ्ट हैंड साइड में आपको दोस्तों वॉल्यूम बटन दे रखा है और सिम स्लॉट दे रखा है एंड यस इसमें आपको दोस्तों डेडिकेटेड यानी कि ट्रिपल स्लॉट दे रखा है चलिए अब मैं आपको स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी है दोस्तों वो टेस्ट करके सुना देता हूं तो ये जो वॉल्यूम है अभी 50% है ये 100% हो गई है So yeah, we can say कि जो स्पीकर की साउंड क्वालिटी है सिंगल होने के बाद भी काफी अच्छी है एंड क्लियर है फोन में आपको 6.52 इंच की एक HD प्लस यानी कि 720p डिस्प्ले मिल जाता है जो आता है दोस्तों 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ और ये दोस्तों एक 60Hz डिस्प्ले है आई विश कि दोस्तों इसमें FHD प्लस डिस्प्ले होता तो और मजा आ जाता बट HD प्लस डिस्प्ले दे रखा है दोस्तों आपको इसमें लेकिन फोन के दोस्तों डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो मैं कहूँगा काफी अच्छी है जो कलर्स है वो आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं इनफैक्ट दोस्तों जो विंग एंगल है वो भी आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं
एंड हाँ दोस्तों, फोन का जो डिस्प्ले है दोस्तों वो इंडोर लाइटिंग कंडीशन और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में ब्राइट इनफ है। एक फीचर बताना चाहूंगा दोस्तों जो आपको इस फोन के डिस्प्ले में मिल जाएगा दोस्तों, जो कि है ऑल डे AI आई कंफर्ट। वेल दोस्तों, ये फीचर बेसिकली करता क्या है, अगर आप कोई भी मूवीज देख रहे हो, वीडियोज देख रहे हो, तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से दोस्तों जो ब्राइटनेस है और प्रेशर ऑफ कलर्स है दोस्तों उसे एडजस्ट कर देगा, ताकि आपको दोस्तों एक बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिले। फोन के बैक साइड में आपको 13 मेगापिक्सल वाला AI ट्रिपल कैमरा मिल जाता है। इसके अलावा फोन के कैमरे में आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड, अल्ट्रा क्लियर 108 मेगापिक्सल, फिल्टर्स मिल जाते हैं, मैक्रो मोड, AI सीन रिकग्निशन, अल्ट्रा नाइट मोड। चलिए अब मैं आपको दोस्तों से कुछ कैमरा सैंपल दिखा देता हूं, जो फोन के दोस्तों रियर कैमरे से क्लिक की गई है इंडोर और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में। एंड यू कैन सी जो फोटोज निकल के आते हैं दोस्तों, वो मैं कहूंगा फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे काफी बढ़िया लगे। कलर्स काफी अच्छे प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट दोस्तों जो स्किन टोन है, इसके अलावा दोस्तों ओवरऑल फोटोज में जो कलर्स है, वाइट बैलेंस है, इनफैक्ट डायनेमिक रेंज भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। मैक्रो शॉट्स में दोस्तों जो डिटेल्स है, वहां पर 2 मेगापिक्सल होने के बाद भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट दोस्तों इंडोर लाइटिंग कंडीशन यानी कि आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में यू कैन सी जो कलर्स है दोस्तों वो काफी अच्छे प्रोड्यूस करता है। सो या ओवरऑल दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन में रियर कैमरा मुझे काफी अच्छा लगा। फोन के फ्रंट में दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है विद AI ब्यूटिफिकेशन एंड अल्ट्रा नाइट सेल्फी मोड। वेल ये रहे दोस्तों कुछ कैमरा सैंपल जो फोन के सेल्फी कैमरे से क्लिक की गई है। एंड आई एम सरप्राइज, मैं कहूंगा दोस्तों और जो सेल्फीज निकल के आते हैं वो डिसेंट निकल के आते हैं, लेकिन दोस्तों 8 मेगापिक्सल होने के बाद भी दोस्तों ओवरऑल फोटोज में दोस्तों जो सेल्फीज निकल के आते हैं उनमें दोस्तों जो डिटेल्स है वो काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। एक चीज दोस्तों मैं जरूर कहना चाहूंगा, फोन में दोस्तों आपको जो अल्ट्रा नाइट सेल्फी मोड दे रखा है, ये दोस्तों मुझे सुपर इंप्रेसिव लगा। लाइक आप एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में भी दोस्तों अमेजिंग सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं। यस, आपको मैं सैंपल दिखा देता हूं दोस्तों सामने, ये नॉर्मल मोड से क्लिक की गई है। यू कैन सी दोस्तों जो लाइट कंडीशन था वो कितना कम था, और यहां पर जैसे आप अल्ट्रा नाइट सेल्फी मोड को ऑन कर लेते हो, कैन सी आप देख सकते हो दोस्तों नॉर्मल मोड से और अल्ट्रा नाइट सेल्फी से दोनों में कितना डिफरेंस निकल के आ जाता है। तो ये मुझे काफी कूल और इंटरेस्टिंग फीचर लगा, जिसकी मदद से अगर कहीं पर लाइट ना हो, एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन हो और ऐसी जगहों पे आप सेल्फीज लेना चाहते हो, देन दिस फीचर इज रियली यूजफुल। फोन में दोस्तों आपको 5000 mAh की एक बिग बैटरी लाइफ मिल जाती है, जो आता है 10W चार्जर के साथ। एंड इनफैक्ट दोस्तों इसमें आपको 7nm वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, तो आपको बैटरी लाइफ फोन में काफी अच्छी मिलने वाली है। बाकी दोस्तों ये जो फोन है कलर OS 11.1 के साथ आता है, एंड इसमें आपको काफी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि फ्लैक्स ड्रॉप, टेक्स्ट स्कैनर, रिमोट एक्सेस, सिस्टम बूस्टर, स्मूथ मोशन इफेक्ट, सिंपल मोड, किड स्पेस। और प्राइसिंग की बात करते हैं दोस्तों, इसका जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम 128GB ये आपको मिल जाएगा दोस्तों 14,990 रुपीज में। तो देखा जाए तो दोस्तों अंडर 15,000 रुपीज में आपको ओप्पो की तरफ से एक 5G स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। जनरली दोस्तों आप सभी लोगों को पता है ओप्पो के जो A सीरीज के स्मार्टफोन होते हैं दोस्तों, ये ऑफलाइन यूजर्स को टारगेट करने के लिए ओप्पो लॉन्च करता है, और इस बार दोस्तों ऑफलाइन यूजर्स के लिए एक 5G स्मार्टफोन यहाँ पर ओप्पो लॉन्च कर रहा है, वो भी अंडर 15,000 रुपीज में। और इस प्राइस पॉइंट में दोस्तों आपको एक अच्छा कैमरा मिल जाता है, अच्छा डिजाइन मिल जाता है, अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको एक बिग बैटरी लाइफ मिल जाती है 5000 mAh की, वो भी दोस्तों 5G सपोर्ट के साथ। I know, आप सभी लोग गिव अवे का वेट कर रहे हो, तो यस, इस वीडियो में दोस्तों मैं 5, एक भी नहीं, दो भी नहीं, पूरे 5 Oppo A53s 5G स्मार्टफोन का गिव अवे कर रहा हूं, और सीधा आपके घर पहुंच जाएगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस सबसे पहले दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और नीचे आपको Oppo A53s 5G स्मार्टफोन से रिलेटेड कुछ भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन जो भी है वो एक कमेंट करना है, और नीचे आपको एक ग्लिंक का लिंक दिया होगा, उसमें जो भी स्टेप्स बताए गए हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो रिजल्ट है वो वहीं से निकलेगा। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी जगह फॉलो कर लेना, क्योंकि रिजल्ट आपको दोस्तों वहीं पता चल पाएगा, है ना। मेरी तरफ से दोस्तों आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, और जो रिजल्ट है मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही दोस्तों अनाउंस करूंगा, तो वहां पे बने जरूर रहना, खास करके ट्विटर पे। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, मेरी तरफ से मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।